अब कुछ ही देर में क्रिकेट जगत की दो बड़ी टीम इंडिया और न्यूजीलैंड साउथहैम्पटन के एजिस बॉल ग्राउंड में पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए आमने सामने होंगी और ये मुकाबला 18 से 20 जून तक चलेगा। लेकिन इस मैच के बीच साउथहैम्पटन में बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है, जिसकी वजह से क्रिकेट फैंस का मजा किरकिरा हो सकता है। इसलिए ICC ने मैच ड्रॉ होने की स्थिति में 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा है। लेकिन जैसा कि नियमों में लिखा है कि रिजर्व डे का इस्तेमाल निर्धारित 5 दिनों के अंदर अंदर तय ओवर पूरे होने पर किया जा सकेगा। आपको बता दें कि BCCI ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाले 11 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें इंडियन टीम की तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान में उतरेंगे। इसके बाद होंगे चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और विकेटकीपर ऋषभ पंत। इसके अलावा टीम में शामिल हैं 2 स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, और तेज गेंदबाजों की बात करें तो वो है ईशान शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। ये सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आज अपना सालों का अनुभव मैच में झोंकने वाले हैं। लेकिन सभी का सबसे बड़ा सवाल था कि मोहम्मद सिराज को 11 में जगह क्यों नहीं मिली, जिसका जवाब BCCI ने नहीं दिया। लेकिन हमारा मानना है कि BCCI और विराट कोहली इस मैच में अनुभव के साथ जाना चाहते हैं और सिराज को आने वाले मैचों के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि वो देखकर सीख सके कि आने वाली परिस्थितियां कैसे होने वाली है और उनका सामना कैसे किया जाए। इसी के साथ ही अब कुछ ही देर में टॉस होने वाला है और देखना होगा कि कौन सी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है या मौसम को देखकर गेंदबाजी चुनती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।